मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश इज फन। स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव नोन द ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू नो कि आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें इंग्लिश पेपर का पैटर्न कैसा होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके इंग्लिश का पेपर टोटल 80 मार्क्स का होता है एंड इसमें 14 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो कि सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दैट मींस नीचे जो पैसेज दिया गया है उसे आपको अच्छे से रीड करना है एज वेल एज आगे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। सो लेट्स रीड आउट द पैसेज। दिस इज केट, शी इज अ टीचर। She works in the nearby school. She is very friendly with her students. She teaches English. She always keeps a smile on her face. She helps her students in questions. She clears all the doubts of the students. She always comes to school on time. She never gets irritated by the little mischiefs of her students. Students enjoy her class very much. Now students, अब पैसेज तो हमने रीड कर लिया, लेट्स रीड आउट कि क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, इट इज गिवन हु इज केट। तो हमने पढ़ा था ना, केट इज अ टीचर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज शी टीच। अब सेकंड में पूछा गया कि वो क्या पढ़ाती है। सो वी हैव रिटन शी टीचेस इंग्लिश एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। थर्ड इज हाउ डज शी बिहेव विद द स्टूडेंट्स, दैट मींस हु, स्टूडेंट से कैसे बिहेव करती है। आंसर वी हैव रिटन शी इज वेरी फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स, दैट मींस कि वो अपने स्टूडेंट से बहुत फ्रेंडली रहती है। फोर्थ इज वेयर डज शी वर्क, दैट मींस वो कहाँ वर्क करती है। आंसर वी हैव रिटन शी वर्क्स इन अ नियर बाय स्कूल एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। फिफ्थ इज डज शी अ गुड टीचर, क्या वो एक गुड टीचर है। यस, शी इज अ गुड टीचर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। Sixth it is asked, what does she keep on her face, that means वो अपने face पे क्या रखती है। Answer we have given, she keeps smile on her face. Last question is, find out the opposite words from the passage, that means हमें क्या करना था, इसके opposite words बताने, किसके, anger के और studies के। Anger को हो जाएगा smile and studies को हो जाएगा teachers। And students, these all are the correct answers. नाउ स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में सेकंड क्वेश्चन भी होता है जो कि कुछ ऐसा होता है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, दैट मींस नीचे जो पिक्चर दी गई है उसे केयरफुली ऑब्जर्व करके आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द पिक्चर वेरी केयरफुली। सो नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पिक्चर शो यू। So this picture shows us a family and this is the correct answer. Second is how many members are there, that means कितने members हैं। We have written there are 6 members, that means इसमें 6 members हैं। Third is are they looking sad, क्या ये sad दिख रहे हैं। No. Fourth we had asked where are the grandparents sitting, so answer is the grandparents are sitting on the sofa. Fifth is who are standing at the back of parents, that means कि पेरेंट्स के पीछे कौन खड़े हैं। आंसर विल बी मॉम एंड डैड आर स्टैंडिंग एट द बैक ऑफ पेरेंट्स। सिक्स्थ इज व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू हैव, आपकी किस टाइप की फैमिली है। अब स्टूडेंट, अब जैसे मेरी बिग फैमिली, तो मैंने यहाँ लिखा है बिग फैमिली एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। सेवन्थ इज हाउ आर दे लुकिंग इन द पिक्चर, दैट मीन्स वो सारे पिक्चर में कैसे दिख रहे हैं। आंसर इज दे ऑल आर लुकिंग हैप्पी। सो स्टूडेंट, these all answers are correct.
स्टूडेंट्स, देखा आपने ये कितना इजी था। सेक्शन ए टोटल 15 मार्क्स का होता है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 मार्क्स का एंड पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन 7 मार्क्स का होता है। अगर आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए तो 15 मार्क्स आपके। स्टूडेंट, आज आपको सेक्शन ए में क्या समझ में नहीं आया ये मुझे रिकॉर्ड करके सेंड करना है। दैट मींस आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है एंड मुझे ये बताना है कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं। दैट मींस टुडे इज नो होमवर्क डे। अब आपको कोई भी होमवर्क नहीं मिलेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे विल बी द डे ऑफ योर क्वेरीज। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस अपना वॉइस रिकॉर्ड करके पूछ सकते हो। आपको ये भी बताना है कि ये सारी चीजें आपके लिए डिफिकल्ट है या फिर इजी, ये तो आपसे हो जाएगा ना। आई नो दिस इज द इजीएस्ट टास्क। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन बी। सो टिल देन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम, गेट वैक्सीन, वियर मास्क, फॉलो हाइजीन, maintain social distancing. Thanks for watching. See you in next video. Bye bye.